वेलकम बैक। पार्ट फाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पार्ट फाइव के अंदर 9.1 का क्वेश्चन नंबर फाइव हम सॉल्व करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे आएंगे। चलिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे पतंग की बात चल रही है। पतंग उड़ा रहा है, कोई बच्चा है, पतंग उड़ा रहा है और पतंग हवा में उड़ती है। इट मीन्स मैं यहाँ पे एक छोटी सी पतंग बना लेता हूँ हवा के अंदर। पतंग देख के मुझे काइट फेस्टिवल याद आ गया। अब पतंग है तो ये जो काइट है वो ग्राउंड से करीबन 60 मीटर ऊपर की साइड फ्लाई हो रही है। 60 मीटर हो गया। अब पतंग उड़ाने वाला है, ऐसे तो पतंग उड़ाएगा नहीं, उसके पास एक रस्सी भी बांधी हुई होगी। तो चलिए हम रस्सी यहाँ पे बांध लेते हैं। ओके, ये रस्सी हो गई और इस रस्सी को जोड़ते हुए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के रेडी हो चुका है। राइट, तो ये रस्सी की लेंथ हुई। अब उस बच्चे को 60 मीटर हाइट पे पतंग उड़ाने के लिए कितनी रस्सी चाहिए, यही आपको शायद ढूंढने के लिए बोला जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। अब देखो, इस बच्चे ने जो पतंग उड़ाई है उसने जो एंगल बनाया है वो 60 का एंगल बना हुआ है यहाँ पे। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मैंने बोला था आपको ये कितनी दूरी को छोड़ना पड़ेगा ताकि बच्चा पतंग को 60 मीटर की हाइट पे उड़ा सके। तो चलिए, हमें हाइपोटेन्यूज ढूंढना है। हमारे पास थीटा के सामने वाला साइड अपोजिट दिया हुआ है और हाइपो ढूंढना है। अपोजिट दिया हुआ है, हाइपो ढूंढना है। अपोजिट हाइपो, अपोजिट हाइपो, आपके दिमाग में एक छोटा सा रेशियो क्लिक हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू होता है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। मैं काफ़ी शॉर्ट में सिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल, नाम देना पड़ेगा ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी फॉर ए सी इज इक्वल टू वॉट। तो हम ए सी के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। अपोजिट था हमारा ए बी और ए सी था हमारा हाइपोटेनियस। मुझे ए सी फाइंड करना है तो ए सी और साइन थीटा की वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ। ये इस तरीके से आ गया। अब ए सी इज इक्वल टू ए बी कितना था, 60 मीटर, और साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू डायरी के डायरी में देख लेते हैं हम। साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 बाय 2, 60 अंडर रूट 3 बाय 2, ये 2 चला गया ऊपर, ये 120 हो जाएगा डिवाइड बाय रूट 3। इस 120 को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं इस 3 को ऐसे लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसको कट कर दिया तो अब मेरे पास जो एसी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 40√3 मीटर। मतलब बच्चे को इतनी दूरी को छोड़ना पड़ेगा तो ही वो बच्चा 60 मीटर की हाइट पे पतंग को उड़ा पाएगा। अगर आपको भी पतंग उड़ानी है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी ही चाहिए। मैं आपको सिर्फ जोक कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी तो आप पतंग नहीं उड़ा पाओगे, बट ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना आ जाएगा। तो मिलते हैं पार्ट 6 के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है।